और वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। दादी माँ, हमें कुछ कुछ भूख लग रही है, हमें केक खाना है। नमस्कार, नीलू की रसोई में आपका स्वागत है। बच्चों की फेवरेट डिश है बिस्किट, और घर में रहते ही हर समय, तो आज हमने सोचा क्यों ना फिर फटाफट बिस्किट के साथ ही कुछ बढ़िया डिश बनाई जाए। तो फिर चला जाए नीलू की रसोई में। आज हम बनाएंगे मिनी केक। मिनी केक बनाने के लिए यहाँ पे हमने लिया है 4 पैकेट बॉन बिस्किट। मेरे पास बॉन था इसलिए हमने वो लिया। आप और भी कोई बिस्किट ले सकते हैं, मगर क्रीम वाला बिस्किट होना चाहिए। इस बोल में हम सारे बिस्किट को निकाल लेंगे। आपके बच्चों को जो भी बिस्किट पसंद हो, जिस भी फ्लेवर का हो, बस क्रीम वाला रखिए और इसको बना लीजिए बढ़िया सा। बच्चों को बिस्किट भी पसंद है, केक भी पसंद है, तो हमने सोचा क्यों ना फिर बिस्किट से ही बनाते हैं केक। और सारे बिस्किट को हम तोड़ लेंगे और इसको हम करेंगे चर्न, जिसके लिए हम दो बार में चर्न करेंगे, एक संग नहीं भरेंगे। इसमें ना हमको पानी या दूध कुछ भी नहीं डालना, बस एक फाइन पाउडर तैयार करना है। ये देखिए, इस तरीके से फाइन पाउडर तैयार करना है। एक बार हम आपको टच करके दिखा देते हैं, जिससे इजी हो जाएगा। देखिए, है ना एकदम फाइन पाउडर, बस ऐसे ही तैयार करना है। यहाँ पे हमने लिया 1 कप रूम टेम्परेचर पे दूध, और थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और एक ही साइड घुमाएंगे, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जो आपको इजी पड़े। हमको क्योंकि इस केक बनाने के लिए इसमें एयर डालना है, उससे क्या होगा, बहुत बढ़िया सॉफ्ट और स्पॉन्जी केक बनेगा। 4 पैकेट में 1 कप दूध लग गया। हम आपको इसकी कंसिस्टेंसी आगे दिखा देंगे, जिससे आपको आराम हो जाएगा। कम ज्यादा अगर आपको बनाना है, तो उस हिसाब से आप अपना केक को तैयार कर सकते हैं। एक ही साइड करने से क्या होगा, ये देखिए इसकी एकदम फ्लोइंग कंसिस्टेंसी है, बस ऐसे ही रखना है। अगर आप ज्यादा बिस्किट ले रहे हैं या कम ले रहे हैं, उस हिसाब से इसको सेट कर लीजिए और इसको साइड में रख देंगे। आज इस केक को बनाएंगे हम इडली मोल्ड। इसको हम बटर से या ऑयल से, जिससे आपको ग्रीस करना है, ग्रीस कर लेंगे। उससे क्या होगा ना कि जब हम इसको डिमोल्ड करेंगे तो आराम से हो जाएगा। अगर आपके पास इडली मोल्ड नहीं, कोई बात नहीं, आप स्टील की सिंपल कटोरी में बना लीजिए। इसमें हम केक में स्टफिंग रखेंगे चॉकलेट की। मेरे पास ये डेरी मिल्क चॉकलेट है। आप जो भी चॉकलेट, डार्क चॉकलेट, व्हाइट चॉकलेट, जो लेना हो वो आप ले सकते हैं। अब इसको हम करेंगे मेल्ट। उसके लिए हम अभी आपको बताते हैं किस तरीके से आप मेल्ट कर सकते हैं। इसको या तो 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव कर लीजिए, और माइक्रोवेव की सुविधा नहीं है तो इस तरीके से लीजिए पॉट में गर्म पानी और उसमें इसको डाल देंगे। बस ये ध्यान रखिएगा कि पानी जो है चॉकलेट में ना आए। 5 मिनट में देखिए इस तरीके से हो जाएगी मेल्ट। सारी तैयारी हो गई है। एक बार हम ये केक बैटर को देख लेते हैं। देखिए कितना सिल्की ये लग रहा है ना, बस ऐसे ही बनाना है आपको। अब जब आपको एकदम फाइनल तैयारी कर लीजिए, उसके बाद ही इसमें हमने डाला है 1 बड़ा चम्मच इनो। अगर आपके पास नहीं है तो आप 1 पाउच भी डाल सकते हैं। और बस एक ही साइड से इनो डालने के बाद फटाफट हाथ चलाना है। देखिए एकदम एयर लग रही है ना आपको, इसमें ना फ्लफी लग रहा है। और इस इडली मोल्ड में हम इसको डालेंगे। बिना स्टफिंग के भी आप बना सकते हैं। अब बच्चों को चॉकलेट अच्छी लगती है, तो हमने सोचा कि चलो इसमें स्टफिंग चॉकलेट की डाल देते हैं, बच्चे खुशी से खा लेंगे। इसलिए थोड़ा थोड़ा पहले ये बैटर डालेंगे, उसके बाद बीच में स्टफिंग को हम डालेंगे। अब ये जो चॉकलेट हमने तैयार करके रखी थी ना मेल्ट करके, इसको बीच में डाल देंगे। अगर आपके बच्चों को डार्क चॉकलेट पसंद है या व्हाइट चॉकलेट, उसकी भी आप स्टफिंग इस तरीके से तैयार कर सकते हैं। इस केक को आप बना के 1 हफ्ता रख सकते हैं आराम से। जब भी बच्चों को मन करे फटाफट बना लीजिए और तैयार करके रख लीजिए। बच्चे खुशी खुशी, बिस्किट है, केक है, बहुत खुशी खुशी खाएंगे। इस तरीके से बहुत ज्यादा भरना नहीं है, क्योंकि फूल जाएगा, और इसलिए टैप कर लेंगे ताकि ये सेट हो जाएगा।
उधर हमने जब से गर्म पानी रख दिया था उबलने लिमोड़ में, देखिए जब अच्छे से पानी में उबाल आ जाए बस उसके बाद ही आपको ये तैयारी करनी है। बस फटाफट हम इस ट्रे को इसमें रखेंगे और 15 मिनट के लिए हाई फ्लेम में छोड़ देंगे। लिड से इसको कर देंगे कवर। 15 मिनट बाद हम मिलते हैं। पंद्रह मिनट हो गया, एक बार देखते हैं। ये देखे ना बढ़िया ये लग रहा है, कितना ज्यादा फूल गया है और बहुत ही सॉफ्ट होगा। इसको बस 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। देखिए देखने से आपको लग रहा होगा कितना ज्यादा ये सॉफ्ट है। बस जब ये एकदम ठंडा हो जाएगा, इस तरह फैला के रख देंगे, जब ये एकदम ठंडा होगा तभी इसको डिमोल्ड करेंगे। डिमोल्ड करने के लिए या तो चम्मच या नाइफ, जो चीज आपके पास हो उससे आप निकाल सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट है, निकालने में ही टूट रहा है एकदम से। देखिए ना अच्छा लग रहा है ना। बस ऐसे आप तैयार कर लीजिए। कितना सिंपल है ना केक बनाना। खाने के बाद आपको लगेगा ही नहीं कि ये बिस्किट से हमने केक को बनाया। देखिए एक बार हम आपको इसको कट करके दिखाते हैं। कितना जबरदस्त इसका टेक्सचर लग रहा है, खाने में तो लाजवाब है ही। बस इसको थोड़ा सा सर्व करते हैं बढ़िया सा, ताकि बच्चे और खुश हो जाएं, जिसके लिए हमने लिया है चीपर और चॉकलेट जैसे हमने मेल्ट करना बताया था उस तरीके से। किसी भी चीज को अब जितना सुंदर सजाएंगे ना वो उतना अच्छा लगेगा, जिसका मन नहीं भी करेगा वो भी उठा के फटाफट खा सकते हैं। इसमें लगा देंगे एक चेरी, बच्चों को बहुत पसंद है। इस तरीके से तैयार करिए, या फिर वैसे ही हमने व्हाइट मिल्की बार लिया था और इसको भी हम ऐसे डेकोरेट कर सकते हैं। ये आपकी अपनी क्रिएटिविटी दिखाइए इस केक में कि कैसे आप इसको तैयार कर सकते हैं। हमको तो ऐसे ही आ रहा है, बस हम वैसे ही सजा रहे हैं। बच्चे हमारे बहुत खुश हो रहे हैं ये हमको पता है। अब सिंपल आप ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, और नहीं तो शुगर पाउडर है ना, बस वैसे इस तरीके से भी आप डेकोरेट कर सकते हैं। जो भी डिजाइन बच्चों को ही दे दीजिए, बच्चे ही बड़े आराम से बना लेंगे, उनको ये सब चीज करने का बहुत शौक लगता है। देखने में बस मस्त एकदम जबरदस्त लग रहा है, सिंपल। बच्चों को कलरफुल स्प्रिंकल्स पसंद है वो ही डाल दीजिए अगर आपके पास है तो। इस तरीके से तैयार करिए और एक हफ्ता आराम से रखिए। बच्चे बस जब भी खेल कूद के आए आराम से, समर वेकेशन है, एंजॉय करने दीजिए। मेरे चैनल पे और भी बहुत सारी केक की रेसिपीज है, आप उसको देख के बना सकते हैं और बच्चों को खिलाइए। सारा देखे केक बन के तैयार है, खाने में तो बहुत लाजवाब है। चलिए फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ।